चैंपियनगंज थाने की पुलिस ने दंपति के साथ लूट की घटना में शामिल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को ग्राम कुंजलगढ़ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शिवम यादव पुत्र रामाशीष यादव निवासी वार्ड नंबर 6 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज यादव पुत्र वीरेंद्र यादव निवासी अक्टवा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, तीसरा सुमित जायसवाल पुत्र जगन्नाथ जायसवाल निवासी अक्टवा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, चौथा विकास वर्मा पुत्र रामाशंकर निवासी वार्ड नंबर 7 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोबाइल लूट के 4,970 रुपए नगद, एक पायल, चार चांदी का चंद्रमा का लॉकेट बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्तों ने वादी मुकदमा की पत्नी के साथ गोरखपुर से वापस घर जाते समय अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल से पीछा करके वादी की पत्नी का पर्स जिसमें मोबाइल, पैसा, लॉकेट, पायल था छीनकर भाग गए थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज के वरिष्ठ उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक कमलेंद्र सिंह, अतुल तिवारी, कांस्टेबल एकांश सिंह, सोनू यादव, मनीष मौर्य, चालक चंद्र प्रकाश तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये दिनांक 3 सितंबर को थाना कैंपियरगंज में श्री प्रिंस अग्रहरी से लूट हुई थी, जिसमें उनके पास से कुछ पैसा और एक चांदी का लॉकेट चंद्रमा के आकार का और उसके साथ साथ एक पोको का मोबाइल फोन और कुछ अन्य सामान लूटा गया था, जो कि आज दिनांक 17/9 को थाना कंपेयरगंज की टीम और सर्विलांस और स्वाट की टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से पूरा माल बरामद किया गया है। इसमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन और लूट के 4,970 रुपये, एक पायल और जो चांदी का लॉकेट चंद्रमा के आकार का था वो बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम शिवम यादव, सूरज यादव, विकास वर्मा और सुमित जायसवाल। ये मोटरसाइकिल से इनका पीछा करके और इनका बैग लेकर के और छीन के भागे। ये सर्विलांस पर इनकी ट्रैकिंग हुई और उसके बाद इनको कैंपियरगंज से गिरफ्तार किया।